अनुभव ही नहीं हूँ सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर जितना समझाया सर। हाँ, अच्छा पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है। स्कूल का पहला दिन, पहली प्रिंसिपल और पहला प्यार, ये सभी को याद रहता है, आपको भी जरूर याद होगा, ठीक पॉलिटिशियन राघव चड्ढा की तरह। राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अब एक दूजे के हो चुके हैं। जल्द ही राघव घोड़ी भी चढ़ेंगे और अपनी दुल्हनिया को भगा कर ले जाएंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ पुराने क्लिप्स राघव चड्ढा के वायरल हो रहे हैं, जो उनकी लव लाइफ से ही जुड़े हुए हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कभी राघव शादी के सवाल को टाल देते, तो कभी कभी अपने आप को अनुभवी नहीं हूँ मैं इन चीजों में बताकर सवाल को घुमा देते। लेकिन राघव चड्ढा के साथ संसद में कुछ ऐसा होगा, ये ना हमने और ना ही राघव चड्ढा ने सोचा था। राघव चड्ढा के प्यार पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी चुटकी ले बैठे और राघव को बहुत इम्पोर्टेंट लव लाइफ रिलेटेड एडवाइस भी दे बैठे, जिसे सुनकर आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि संसद में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का विदाई सत्र चल रहा था और तब राघव ने उनके प्रति सम्मान जताते हुए संसद में स्पीच दी थी। सर, हर व्यक्ति को अपना पहला अनुभव जो होता है वो याद होता है। स्कूल का पहला दिन, पहला स्कूल प्रिंसिपल, पहली टीचर, पहला प्यार। इस सदन में जब मैं आया तो मेरे पहले चेयरमैन के रूप में जब मैंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी, मैं सदैव आपको याद रखूंगा सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करी तो आपका संरक्षण मुझे प्राप्त था। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य भी है सर कि एक ही सत्र सिर्फ आपके संरक्षण में काम करने का मौका मुझे मिला सर। राघव की स्पीच को ध्यान से सुनने के बाद नायडू बोले, राघव मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार, दूसरी बार, ऐसा होता है कि नहीं, पहला प्यार ही तो होता है ना। ये बात सुनने के बाद संसद में लोग जोर जोर से हंस पड़ते हैं और राघव चड्ढा शर्मा जाते हैं और जवाब में कहते हैं, मैं इतना अनुभव ही नहीं हूँ सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अच्छा होता है सर जितना समझाया सर। अच्छा, पहला प्यार अच्छा होता है, वही प्यार हमेशा रहना है जिंदगी भर। लगता है राघव चड्ढा ने इस बात को काफी गहराई से सोचा और इस पर अमल भी किया। क्या बात है राघव चड्ढा। एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ENT Live।